दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन करके यूज़र आईडी प्राप्त करते हैं और पासवर्ड भी प्राप्त करते हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और आपको ऊपर कार्ड्स और एंड स्क्रीन में भी वीडियो मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम एनुअल एग्ज़ाम का फॉर्म भरना इसमें पूरा सिखाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले गूगल में आपको जाके लिखना है PRSU.online.cg.nic.in। याद रखिए, इसी साइट से ही आपको फॉर्म भरना है पूरी तरह से। तो ये देखिए, जो पहला वाला साइट ओपन होता है उसमें लिखा हुआ है, उसको आप क्लिक करके सीधे पहुंच जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। दोस्तों, यहाँ पे चार ऑप्शन दिखाई दे रहा है। एक है गेट यूज़र आईडी, जो अपन देख चुके हैं। ऑनलाइन इनरोलमेंट एप्लीकेशन, वो भी अपन देख चुके हैं। तीसरा है एनुअल एग्जामिनेशन फॉर्म, वहाँ से हमको स्टार्ट करना है। और नीचे दिया मैनुअल, आप उसको देख के फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे एनुअल एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करते ही देखिए, यूज़र आईडी और पासवर्ड आ गया। आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डालना है और आपको हम मैनुअली समझाते हैं कि कैसे फॉर्म भरेंगे स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आधार कार्ड बहुत ही अनिवार्य है, इसलिए आधार कार्ड ज़रूर रखें। और बता दें कि ये हम ये मोबाइल से फॉर्म भरना सिखा रहे हैं, तो शायद आपको ना दिखे। तो अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो हम डेस्कटॉप वाला भी बना देंगे। तो यहाँ पे देखिए, लॉगिन करने के बाद एग्जामिनेशन फॉर्म एनुअल लिखा हुआ है, वार्षिक परीक्षा फॉर्म। तो वहाँ पे क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद हमको कुछ बेसिक पांच डिटेल डालने होंगे, जैसे कि बेसिक डिटेल्स, प्रीवियस एकेडमिक डिटेल्स, सिलेक्शन ऑफ पेपर्स, फ़ोटो एंड सिग्नेचर और अटेस्ट डॉक्यूमेंट। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, जैसे कि फ़ोटो, सिग्नेचर और सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए स्कैन हमारे मोबाइल पे, अगर आप मोबाइल से फॉर्म भर रहे हैं तो। स्टेटस के बाद आ जाते हैं बेसिक डिटेल्स में, जहां आपको डालने होंगे आपका नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में डालना होगा। फिर आपको डालना होगा आधार नंबर, हस्बैंड नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्जियंस नेम, जन्म तिथि, और हिंदी में भी यही चीज़ें डालनी होंगी। और यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर भी डालना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये सारी चीज़ें जिसमें रेड रेड का साइन बना हुआ है स्टार का, वहाँ कंपलसरी है आपको भरना, और जहाँ पे रेड साइन नहीं बना है वो ऑप्शनल है, आप डालें या ना डालें। फिर अगर अपन आ जाते हैं सेकंड में, जो कि है एकेडमिक डिटेल, तो एकेडमिक डिटेल में आपको 12th के बारे में बताना होगा, बोर्ड, आपको सेशन, रोल नंबर, परसेंट, डिवीज़न, ग्रुप। वैसे ही आपको अंतिम परीक्षा का विवरण देना होगा, जो लास्ट टाइम आपने एग्ज़ाम दिया था, जो भी कॉलेज वगैरह का, उसके बारे में डिटेल डालना होगा। फिर सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आप आ जाएंगे नेक्स्ट ऑप्शन में, जो कि है सिलेक्शन ऑफ पेपर। आपको कौन कौन सा पेपर सेलेक्ट करना है उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल डालना होगा। सारी डिटेल है, रजिस्टर्ड एस, जैसे कि रेगुलर है या फिर अमहाविद्यालयीन है। कोर्स नेम डालना होगा, एग्ज़ाम सेंटर डालना होगा। सारी चीज़ें डालने के बाद आपका पेपर यहाँ पे शो करने लग जाएगा। वहाँ पे आपको नियमानुसार सेलेक्ट करना होगा कौन कौन सा पेपर आपका होगा। फिर आपको चेक कर सकते हैं, शो कर सकते हैं कि कौन सा पेपर मेरा है। जैसे ही शो होगा, आप उसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। ये अगर सारे पेपर आपके होने हैं, यही पेपर आपके हैं, तो आप उसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, जो कि है अपलोड फ़ोटो का। यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है 50 KB से कम साइज़ की, और सिग्नेचर अपलोड करना है 20 KB से कम साइज़ की। दोनों अपलोड करने के बाद यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन दिया है, वहाँ पे अपलोड कर देंगे। और अपलोड करने के बाद हमको जाना होगा नेक्स्ट ऑप्शन पे, जो कि है जहाँ पे अपन देख सकते हैं सारी चीज़ों को, कि सारे डिटेल्स हमारे यहाँ पे आ चुके हैं कि नहीं आए हैं। तो प्रीव्यू में सारे डिटेल्स कंफर्म होने के बाद हम यहाँ पे कर सकते हैं कंफर्म एंड प्रोसीड टू पे। अगर आप पे करने के लिए रेडी हैं तो यहाँ पे ये वाला क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद आपको शो करेगा कि कितना पे करना है। यहाँ पे शो कर दे रहा है कि कितना पे करना है अपने को, जो कि एनुअल एग्ज़ाम फ़ीस और माइग्रेशन फ़ीस दोनों का टोटल फ़ीस अमाउंट यहाँ पे बताया जा रहा है। उस पे आप फिर से कंफर्म एंड सबमिट कर सकते हैं, और उसके बाद प्रोसीड टू पे कर सकते हैं। तो फिर आपको मिल जाएगा यहाँ पे कुछ प्रणाली, जैसे सेलेक्ट योर पेमेंट मोड, अलग अलग पेमेंट मोड मिल जाएंगे आपको। नेट बैंकिंग है, कार्ड पेमेंट है, अदर पेमेंट मोड्स है, और फिर आप अपने बैंक के उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन से बैंक से करना चाहते हैं, फिर आप पेमेंट कर सकते हैं। यदि आपके भुगतान करने के बाद भी प्रिंट आउट नहीं निकल रहा है, तो 48 घंटे बाद आप फिर से ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद उस डिटेल को आपको कॉलेज में जाके, यूनिवर्सिटी में उसकी कॉपी को जमा करना हो।
इस तरह से पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और देखते रहें सीखो और समझो यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।